बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त जहाँ कहीं भी होंगे, दुआ करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम सकी हसन चौरंगी से सीधा कलंदरिया चौक जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं वो तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको थोड़ा बहुत नया नाज़ाबाद फ्लाईओवर ब्रिज के बारे में भी बताना है, और ये सामने हमारे फ्लाईओवर ब्रिज स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर ये फ्लाईओवर ब्रिज है। अब इस ब्रिज के नीचे क्या कुछ नया होने जा रहा है वो असल में तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस वक्त नया नाज़ाबाद फ्लाईओवर ब्रिज के आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक काम किया जा चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपडेट, वो इसकी पूरा व्यू आपको दिखाएंगे नया नाज़ाबाद तक कि कहां तक कितना काम हो चुका है। अभी आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं आगे की तरफ अभी हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मशीनें लगी हुई हैं। थोड़ा हम कलंदरिया चौक से टर्न लेके इस जगह जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या काम हो रहा है और क्या बनने जा रहा है। यहाँ पर सीवरेज का पानी काफ़ी तादाद में जमा था, और उसकी वजह क्या थी वो तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी यहाँ से हम राइट साइड पर टर्न लेंगे और तमाम वो जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। नया नाज़ाबाद फ्लाईओवर ब्रिज काफ़ी हद तक इसका काम किया जा चुका है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल सामने ये मशीन लगी हुई है, और अब इधर आने के बाद हम बाइक खड़ी करेंगे और यहाँ पर काफ़ी काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो काम है जो बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ इस जो ड्रेन सिस्टम बनाया जा रहा है सीवरेज का, काफ़ी बड़ा ये बड़ा नाला है काफ़ी, और ये कनेक्ट किया जाएगा आगे की साइड पे। और ये आप देख सकते हैं ये आ रहा है अंडा मोड़ से। इस वक्त मशीन लगी हुई है, इसके एक तरफ की दीवार बनाई जा चुकी है, दूसरी तरफ की दीवार पर भराई की जा रही है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा नाला है जो सामने अंडा मोड़ से आ रहा है, और राइट साइड पर जो है आगे की साइड पर सकी हसन का कब्रिस्तान शुरू हो जाता है, उसका एक साइड का एरिया शुरू हो जाता है, और अंडा मोड़ से ये तक ये काम किया जा रहा है। और बारिशों के दौरान आपने देखा होगा इस जगह पर काफ़ी पानी जमा हो जाता था, तो इसके साथ साथ सीवरेज की लाइनें भी डाली गई हैं, और ये बरसाती नाला भी बनाया जा रहा है। बेसिकली ये बरसाती नाला है जो आगे के साइड पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये क्रॉस कर रहा है नया नाज़ाबाद फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से, और ये काफ़ी बड़ा मंसूबा है। सीधा सामने जो सकी हसन की चौरंगी है, और इस तरफ सीधा आप जाएंगे तो अंडा मोड़ के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा काम इस वक्त हो रहा है, बरसाती नाला। और जैसा कि आपको मालूम है शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ ख़ास तौर पर पानी जमा होता था उन जगहों पर बरसाती नाले बनाए जा रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी काम तेज़ी के साथ जारी है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट, यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।